दोस्तों एक और क्वेश्चन, जो मोस्टली बिगिनर्स करते हैं लेकिन कुछ एथलीट्स जो एक लेवल पे आगे वो भी करते हैं, मेरे पास जो आते हैं कि सर खर्चा कितना हो जाएगा गेम पे, कितने एक्सपेंसेस हो जाएंगे, हमें अपना बजट बनाना है। तो देखो जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है ना आज की डेट में, आप उससे अपना गेम शुरू करें। आप कॉपी करते हो बड़े एथलीट्स को जो प्रोफेशनल लेवल पे आज खड़े हैं, उनका एक तो ट्रेनिंग का लेवल आपसे बहुत ऊपर है, उनका मसल मास आपसे ज़्यादा है, मसल मैच्योरिटी ज़्यादा है, उनकी नीड भी आपसे ज़्यादा है गेम पे एक्सपेंसेस करने की, उनको डाइट भी आपसे हैवी चाहिए, उनको सप्लीमेंट्स भी आपसे ज़्यादा चाहिए। तो खर्चा आपने उनका देख लिया कि ये तो इतना खर्च करते हैं, कोई 40,000 कोई 50,000 रुपये महीने का, लेकिन आपका ट्रेनिंग का लेवल वो नहीं है। ये जो आज प्रोफेशनल खड़े हैं ये अपने शुरुआत के दिनों में उस खर्चे पे काम नहीं करते थे, बिल्कुल लोएस्ट बजट में काम शुरू किया सबने। मैं लिख के देता हूँ, कोई भी प्रोफेशनल जो आज खड़ा है वो 40-50 हज़ार से गेम शुरू नहीं किया उसने, वही 5-7 हज़ार रुपये पॉकेट में होते थे उसी पे गेम शुरू किया। आप गेम करते गए, हार्डवर्क करते गए, डाइट पे अपना मेन फोकस रखा, थोड़ा जितना आपकी पॉकेट ने अलाउ किया उतना सप्लीमेंट यूज़ किया और आगे बढ़ गए। जितना आप मेहनत करते जाएंगे आपके रास्ते खुलते जाएंगे, अर्निंग सोर्स भी बढ़ेंगे। जब जितना पॉकेट अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंग आपने एक्सपेंसेस करने हैं। तो ये मत पूछो कितना खर्चा आएगा, ये बताओ अपने ट्रेनर को कि सर मेरा बजट ये है, आप इस बजट में मुझे डाइट लिख के दो और उसी डाइट में चलना आपने। ज़्यादा हार्डवर्क करना शुरुआत में, और डाइट का रोल तब बढ़ेगा जब आपका मसल ग्रो कर जाएगा, आप एक मैच्योर उसमें आ जाएंगे। पहले दिन आपको 40-50 हज़ार रुपये नहीं चाहिए भैया, 8-10 हज़ार से भी काम हो जाएगा। आप शुरू तो करें, स्टेप तो लें, रास्ते फिर खुल जाएंगे, आप अपना कर्म करें बस। थैंक यू।